वैभव कपूर खुद अपने हाथों से अपनी तकदीर लिख चुका है और इसकी हर एक लकीर पे जीत लिखी है, सिर्फ जीत। फैसला भी हुआ नहीं, दो दिन बाकी है, सब्र रखो थोड़ा सा, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। हाँ, इस बार मीठा तुम्हारे लिए नहीं, हमारे लिए होगा। Wait and watch, Bajpai. अरे स्वागत करो भाई हमारे सिकंदरों का। आइए बजपई जी, तालियां। कौशल जी, भाभी जी, क्या क्या जरूरत थी सब करने की? क्यों जरूरत नहीं थी? जैसे श्री राम ने रावण का वध किया था, वैसे ही आज आपने उस रावण वैभव कपूर के घमंड का वध किया है। और सच बताऊं तो आज हम लोग बहुत खुश हैं और खुशी में पार्टी तो बनती है। इतना बढ़िया पार्टी का इंतजाम किया आपने, थैंक यू सो मच। आप थैंक यू बोलकर मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अगर हो सके तो प्लीज मेरी पुरानी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। मैंने आपको रितु को बहुत परेशान किया ना साक्षी जी, आई एम सो सॉरी। भाभी जी, आपने जितना मैं परेशान किया उससे कई ज्यादा आपने हमारी मदद करी है, इसलिए पुरानी बातों को अतीत के गड्ढे में पड़े रहने देते हैं और अभी पार्टी एंजॉय करते हैं, है ना? आज अब अकेली लग रही आपकी सहेली एकता जी कहाँ है? अरे जो लोग चंद पैसों के लिए अपना ईमान बेच दे, ऐसे लोगों से ना तो मुझे दोस्ती रखनी है और ना ही कोई जान पहचान, इसीलिए मैंने तो उसे इनवाइट ही नहीं किया है। नहीं 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 भाभी जी, ऐसे नहीं कहते हैं, ऐसे थोड़ी ना दोस्तियां टूट जाती हैं। आप और एकता जी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, दोस्त जब गलती भी करे ना तो दिल बड़ा करके माफ कर देना चाहिए। रुकिए मैं लेके आता हूँ। हो गया होमवर्क? नहीं मम्मा, मैं वो कल लूंगा, अभी नीचे चलो ना, पार्टी चल रही है। मुझे पता है नीचे पार्टी हो रही, लेकिन हमें उस पार्टी में किसी ने नहीं बुलाया। लेकिन क्यों? चुपचाप होमवर्क करो। एकता भाभी, वाजपेयी जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? पार्टी तो नीचे हो रही है ना, चलिए सबको लेके आइए, पूरी फैमिली को लेके आइए, आप आएंगी तो मुझे अच्छा लगे। वाजपेयी जी, आप मुझे लेने आए हैं? हाँ वाजपेयी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, चंद पैसों के लालच में आकर मैंने आपको आपकी यतु से दूर करने की कोशिश की। मैंने इतना भी नहीं सोचा कि ये सब मेरे साथ होता तो मुझ पर क्या बीतती। वाजपेयी जी, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बस बस बस, ये क्या करें, ऐसे मत कीजिए। इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए, ऊपर से पछतावा हो, बस बात वहीं खत्म हो जाती है। सुनिए, मैं इसको लेके जा रहा हूँ, चल बच्चे, आप और राकेश जी तैयार होकर नीचे आइए जल्दी से, ठीक है? और सच कहूँ तो आपके और लीना भाभी के बिना सोसाइटी गैदरिंग में रौनक होती ही नहीं है। चलिए जल्दी से आ जाइए, आ जाओ बच्चे। जी चौकसी सर। हाँ हाँ बोलिए, कब करना है? म्यूजिकल चेयर के लिए आर यू रेडी? Yeah. अरे जोर से बोलो। Yeah. अरे साक्षी जी, आप भी अब हमारी सोसाइटी में रहती हैं, आप भी हम में से एक हैं, वहां क्यों खड़ी हैं आप, जाइए ना। म्यूजिक ऑन। मानो वाजपेयी का घर यही है। Hey,
अकांक्षा। चलो रेडी म्यूजिक। अरे बाप रे बाप, एक कुर्सी के लिए बाल और बटन की लड़ाई, कमाल है। जिंदगी में ये पहली बार देख रहा हूँ बाजपाई जी। मैं मदद कर दूँ? कमाल है साक्षी जी। छिपकली सर, वो साउंड सिस्टम का वायर हिल गया है, 2 मिनट दीजिए। अरे अभी अभी तो मजा आ रहा था, म्यूजिक क्यों बंद हो गया? कौशल अंकल, साक्षी मैम बहुत अच्छा गाती है, आप एक बार उनको कहो ना एक अच्छे से गाना सुनाए। सुनिए सुनिए सुनिए, हमारे छोटे बाजपाई जी की फरमाइश ये है कि साक्षी मैम जो है वो हम सब के लिए गाना गाएंगी। चलिए कौन तालियां, साक्षी मैम एक गाना हो जाए। या तू, लेकिन तू तो कहता कि साक्षी मैम को गाना पसंद नहीं है। मैम सुना दीजिए गाना, अगर आप गाएंगी तो मैं भी आपका वायलिन पे साथ दे दूंगा। अगर आप ना होती तो ये पार्टी भी नहीं हो रही थी। अरे किस काम की सुई अगर ना हो धागा, कमाल है, ये तो हो गया सोने पे सुहागा। बाटपा जी कमाल है। हाँ। मैं दादा को वाले लेके आता हूँ। वॉशरूम जाना है बेटा, ले चलोगे? ये संगती बच्चे, आप जाओ, मैं चला जाऊंगा। ओके। आइए आइए सर। मानव जी, तुम सिगरेट पीते हो? नहीं सर, क्यों, क्या हुआ? तो फिर तुम्हारे घर से सिगरेट की बू कैसे आ रही थी? कुछ कुछ गड़बड़ है। हैं? मजा आया? हाँ, बहुत मजा आया। मजा आया? हाँ। बाजपाई जी, कुछ अजीब सी स्मेल नहीं आ रही? अगर
अगर कोई सिगरेट नहीं पीता तो फिर तुम्हारे घर से सिगरेट की बू कैसे आ रही थी? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे देखना होगा। नहीं नहीं, वो मच्छर मारने वाली गाड़ी आई थी ना थोड़ी देर पहले, शायद उसी की स्मेल होगी। आप लोग बैठिए, मैं रूम में फ्रेशनर स्प्रे करके आता हूँ। आज तो बहुत थक गई भाई। मैं तो बिल्कुल नहीं थका, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जगना है। दादा रूम फ्रेशनर स्प्रे कर दे और फिर चेंज करके ब्रश करके फटाफट नीनी। ओके, घर में तो कोई नहीं है। इस ऑफिस में क्या चल रहा है ये सब? कौशल जी, कौशल जी। जी सर। ये मिनरवा बिल्डर्स की फाइल तो ब्लैकलिस्टेड है ना? जी। तो फिर ये यहाँ क्या कर रही है मेरी टेबल पर? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तो फिर किसे पता है? ये वो और तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तमाशा देख रहे हो? चलो अपना अपना काम करो। हद हो गई इस ऑफिस में। ऑफिस के नाम पर मछली बाजार बना रखा है। वो बाजपेयी जी, बाजपेयी जी। सर। ओ, आ गए हमारे आदर्शवादी श्री मानव बाजपेयी जी। आप पूरी दुनिया में ढोंगना चाहते रहते हैं ना कि मैं अंदर टेबल कुछ नहीं लेता हूँ किसी से, और मैं चार दिन घर पे क्या रह गया कि मेरी कुर्सी का नाजायज फायदा उठाने लगे तुम? सर, ये मिनरवा की फाइल, इसको क्या अप्रूव करने वाले हो? बोलो। नहीं सर, मैं क्यों करूंगा सर? मैंने आज तक अंडर द टेबल नहीं लिया, आप जानते हैं सर। मैं सर, वाह बिल्डर्स सर, ये फाइल यहाँ कैसे आई? मुझे नहीं पता सर ये। मिस्टर वाजपेयी, मुझे बहाने नहीं, एक्सप्लेनेशन चाहिए, और वो भी लिखित में, आज शाम तक। वो तो भला हो मानव जीजू का कि उन्होंने मुझे बेल दे करके जेल से बाहर निकाला, नहीं तो तूने और तुम्हारे उस वैभव कपूर ने मुझे जिंदगी भर जेल में सड़ाने का फुल प्लान बना के रखा था। इसको तूने पत्थर समझ के ठोकर मारी है ना, वो अनमोल हीरा है। लेकिन तुझे ये बात समझ में नहीं आएगी तो मेरी बात नहीं मानेगी, क्योंकि जिंदगी का ये सबक तुझे वक्त सिखाएगा। तुझे बहुत जल्द पता चल जाएगा अक्कू कि जैसी तू औरत है ना, तुझे कोई नहीं अपनाएगा। ये किस तरीके से बात कर रहे हो तुम आकांक्षा दीदी से? क्या कुछ नहीं किया इन्होंने तुम्हारे लिए, हर सुख देना चाहा। अरे अब तुम ही इतने नालायक निकले तो इसमें आकांक्षा दीदी का क्या दोष है? वाह, बहुत बढ़िया। इस औरत के साथ रह रहे तू भी इसी की जैसी हो गई है। इसके पैसों की चमक ने तुझे अंधा कर दिया, बावला कर दिया बबली। अरे इतना कुछ होने के बाद उससे तो सबक ले लेती, पर नहीं, तो एक काम कर, तू यहाँ इसी के साथ रहे, दोनों लालची औरतें मिलकर के एक दूसरे का साथ देना, क्योंकि अब बबली, अब मैं तेरा साथ नहीं निभा सकता। बस झूठी मक्कार फरेबी औरत मुझे फोन क्यों कर रही है? तुझे मैं कर, तुम्हें मेरी कसम, इससे पहले कि तुम मुझे फिर से कुछ उल्टा सीधा बोलो, मेरी एक बार बात तो सुनो। बोलो। मैंने तुम्हें जो कुछ भी कहा ना, वो सब एक नाटक था। मैं यथु और मानव जी जो की हेल्प कर रही हूँ। तुम्हारी बहन ने वैभव कपूर के साथ मिलकर तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया ना, बस समझ लो ये सब उसी का बदला है। तुम्हारे यहाँ आने से, चीखने चिल्लाने से, गाली देने से कोई फर्क नहीं पड़ा, इसीलिए कुछ ऐसा करना होगा जिससे फर्क पड़े, और बहुत बड़ा फर्क पड़े। बैग, ये किसका? पहले तो ये कभी यहां नहीं देखा। जी मैम, बताइए। वाजपेयी जी, घर पे विजिलेंस वालों ने रेड डाली है।
क्या? जी, दो अलग अलग टीम्स रेड डालने आई हैं। अरे ऐसे कैसे तलाशी ले रहे हो? सारा सामान तोड़ फोड़ दोगे क्या? मैम 20 मिनट में, मैं 20 मिनट में घर आ रहा हूँ, ठीक है? बजपाई जी, मैम आप टेंशन मत लो, वो मैंने ना मूवी में देखा, बैड लोगों के घर पे रेड होती है ना, डैड बैड थोड़ा है, डैड को तो बैड लोगों पे गुस्सा आता है और मेरे डैड ब्राइड नहीं लेते। मैम इन्हें यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। ये रखिए, पैसा रखिए। बाजपाई सर, आपके घर पे रेड पड़ी, आप कुछ कहना चाहेंगे? सर क्या ये बात सच है कि आपने रिश्वत ली थी? सर प्लीज बताइए, मानव जी, सर मानव जी, रिश्वत ली थी? मानव जी बताइए, सर एक बताइए, मानव जी, मानव जी आप बताइए, आप क्या आपने रिश्वत ली थी? बाजपाई जी, पुलिस वालों को घर के अंदर से एक बैग मिला है जिसमें ढेर सारा कैश और कपूर कंस्ट्रक्शन की कुछ फाइल्स थी। क्या? जी हम आपको याद दिला दें कि मानव वाजपेयी की पत्नी उन्हें छोड़कर कपूर कंस्ट्रक्शन के सीईओ वैभव कपूर के साथ चली गई थी। पति पत्नी के बीच बच्चों की कस्टडी को लेकर कोर्ट में केस चालू है। सूत्रों के अनुसार मानव वाजपेयी ने कपूर कंस्ट्रक्शन को उखाड़ फेंकने के लिए मिनेरवा कंस्ट्रक्शन जैसे अंडरवर्ल्ड से साठ गांठ रखने वाले बिल्डरों से हाथ मिला लिया। अपने सरकारी निवास में रहते हुए गैर कानूनी काम करते थे मानव वाजपेयी। सूत्रों के मुताबिक उन्हें नौकरी से भी सस्पेंड कर दिया गया है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मानव वाजपेयी के घर को कर दिया गया है सील। प्रणाम कौशल जी, ये जो यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं ना जी, उनका फुटेज चेक करो, ये सारे अदालत में काम आएंगे, समझे? मैं अभी पता लगाता हूँ। तो देखा आप लोगों ने, मानव वाजपेयी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। He has been arrested. आखिरकार उनके हाथ में हथकड़ियां पहना दी गई हैं। तो देखा आप लोगों ने किस तरह से एक रिश्वतखोर और बेईमान सरकारी ऑफिसर का हुआ अंत। मानव वाजपेयी कानून के शिकंजे में फंसे। वो लोग मानव अंकल को ला रहे और इनकम टैक्स ऑफिसर्स भी हैं। बताइए मानव जी, डैडा मुझे पता आप कभी ऐसा नहीं कर सकता। पुलिस अंकल गलती कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं होगा डैडा, अच्छे लोगों को कभी कुछ नहीं होता। आप सही कह रहे हो बेटा, अच्छे लोगों को कुछ नहीं होता। आप डैडा की चिंता मत करना, डैडा की स्ट्रॉन्ग बॉय हो है ना, डैडा बस यूं कर यूं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.